नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक, शिक्षाविद और भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सामाजिक क्रांति का आधार कहा जा सकता है और उस विषय का नाम है अंधविश्वास से धर्मांध। हम अंधविश्वास पे बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा विश्वास पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अंधविश्वास शब्द बनाए अंध प्लस विश्वास, तो हम विश्वास पे बात करते हैं कि विश्वास क्या है। आदिकाल से मनुष्य जब भी पृथ्वी पे आया, प्रकृति के बीच रहा, तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती रहती हैं, जो स्वाभाविक। जब हम प्रकृति के बीच रहते हैं, जब हम समष्टि के बीच रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में उठते रहते हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते हैं लाइफ। उन सबको जानने की इच्छा मनुष्य में होती रही है। शायद विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही हुई। और सच बताऊं तो जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी मुनि हुए, जितने भी पैगंबर हुए, वो भी सब आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए ही पैदा हुए। बेशक उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो भी कुछ प्राप्ति की हो, वैज्ञानिक भी सच बात तो यह है कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही विज्ञान में खोज करता है। ऐसे ही कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, कोई भी पैगंबर, वो अपनी जिज्ञासा, अपने मन की अशांति, अपने जो क्वेश्चन है, उसके जो प्रश्न है उसके मन में, उन्हें शांत करने के लिए वो सब खोज करता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो पैगंबर। तो विश्वास का मतलब है कि जो हमारे तर्क हैं उनका समाधान प्राप्त करने के लिए, उनका समाधान खोजने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए हम जो कुछ करते हैं, और अगर वो समाधान मिल जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है उस व्यक्ति पे, उस प्रकृति पे, उस समष्टि पे, उस घटना पे, सब इन सारी चीजों पर हमारा विश्वास हो जाता है। और हम ये मानने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसी घटना घटेगी तो उसका परिणाम ये आएगा। यही तो विश्वास है, और क्या विश्वास, इसी को विश्वास कहते हैं। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि जब भी मनुष्य कहीं भी विश्वास करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रकृति की घटना हो, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो, वहां जहां उसके तर्क का समाधान निकल रहा है, जहां उसका मन शांत हो रहा है, जहां उसके प्रश्नों का जवाब है, वहीं हम विश्वास करते हैं। तो फिर अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ें तो अंध प्लस विश्वास, यानी कि ऐसा विश्वास कि जो हम अंधे होके उसे मानने लगे। हमारे तर्कों का समाधान नहीं हुआ है, हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई हैं, हमारे जो मन में प्रश्न थे उनका आंसर हमें नहीं मिला है। ये सब कुछ होने के बाद भी अगर हम विश्वास करते हैं तो उसे अंधविश्वास करते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब कुछ लोग हमसे श्रद्धा की बात करते, हमसे कहते हैं कि ये
बस तू मान ले, तर्क मत कर, ईश्वर है ये मान ले, खुदा है ये मान ले, उसकी शक्ति है ये स्वीकार कर ले, तर्कों की बात मत, उसे अंधविश्वास कहते हैं। पर संसार में एक ऐसी भी घटना घटी थी जो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताना चाहता हूं, कि जब विवेकानंद नरेंद्र के रूप में श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने पहुंचे दो नास्तिक, और उन्होंने कहा कि कहां है ईश्वर, क्या आप दिखा सकते हो मुझे ईश्वर, तो रामकृष्ण ने परमहंस ने कहा अभी देखना है, आप ईश्वर देखना चाहते हो, उसकी शक्ति देखना चाहते हो, अभी देखना है या कुछ देर से देखना है। आज तक ऐसी सच्ची बात कहने वाला व्यक्ति नरेंद्र को कोई मिला नहीं था, वो हतप्रभ हो गया, डिस्टर्ब हो गया, उसने महसूस किया कि ऐसा व्यक्ति भी कोई हो सकता है जो कह रहा हो कि हाँ अभी देखना चाहते हो ईश्वर की शक्ति, तो बैठो आप तैयार हैं देखने के लिए। तो विवेकानंद को यह कहना पड़ा कि मुझे विचारना पड़ेगा कि अभी देखना है या देर में देखना है। अर्थात जिनके पास तर्कों का समाधान है, जिनके पास आपके क्वेश्चंस जो हैं उनका जवाब है, आपके मन में जो शंकाएं हैं, आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, उन्हें सब शांत करने का अगर भाव किसी भी वैज्ञानिक में है, किसी भी ऋषि में है, किसी भी मुनि में है, किसी भी पैगंबर में है, तो निश्चित रूप से उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं मान ले बस, मान ले बस, और उसके बाद पूजा करनी शुरू कर, उसके बाद मानना शुरू कर, मैं जैसे कहता हूं वैसे शुरू कर, पहले मान ले, जानने की बात बात में करना है, जान ले तो ठीक, नहीं जान ले तो भी ठीक, पर मानना तो पड़ेगा, ये सब अंधविश्वास। और शायद बुद्ध धर्म में एक पहला धर्म हुआ जिसने कहा कि पहले जान लेना फिर मानना, जब तक जान ना लो तब तक मानना नहीं। गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पहले जानना फिर मानना, अगर जान नहीं लो तो मानने की आवश्यकता नहीं। शायद सारे धर्म यही बात कह रहे थे कि पहले मान लो फिर जानना, शायद बुद्ध इसीलिए खड़े हुए होंगे विपरीत दिशा में, विपरीत बात कहते हुए कि नहीं पहले जान लो फिर मान। तो जहां हमारे तर्कों, हमारी शंकाओं का, हमारे क्वेश्चंस का कोई जवाब ना हो, उन्हें उनकी पुष्टि नहीं हो रही हो, और तब भी हमें मानने की बात कही जाए, तो अंधविश्वास। और लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं, समाज ये करता है कि हमने कुछ निर्धारित कर दिया अपने अनुभवों के आधार पर, या अपने स्वार्थ के आधार पर, या अपनी सोच के आधार पर, उसे तुम मान ले, क्वेश्चन मत कर, तर्क मत कर, बस मान ले। जैसे मैं बड़े मजे की बात आपको बताऊं कि भारतवर्ष में कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना, अनहित हो जाएगा। जापान के, अमेरिका के लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो 100% काम बनेगा। एक बहुत शुभ पशु है, हम अशुभ मानते हैं वो शुभ मानते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बिल्ली तो एक ही है, पूरी दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं उनकी सबके करीब करीब नेचर ऐसी है, नस्ल अलग हो सकती है, शक्ल अलग हो सकती है, लेकिन पशु तो एक सा ही है, उसके स्वभाव भी करीब करीब एक सा ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका के लोगों को शुभ हो जाए, जापान के लोगों को शुभ हो जाए, हमें अशुभ हो जाए। और जब कोई बच्चा पूछता है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बिल्ली रास्ता काट जाए, या पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस रास्ते को नहीं जाना, अनहित हो जाएगा, तो उनकी उस तर्क का कोई जवाब उनके पास नहीं।
मैं अपने जीवन की एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार मुझे यूएस जाना था और एंड टाइम पे कुछ ऐसा घट गया कि मुझे जल्दी निकलना था तो मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया और वो मुझे जरूरी था ले जाना। कैब बुलाई और कैब में मैं सवार हो गया और उसे बैठते ही कहा कि बेटा थोड़ा लेट हो गया हूँ तो थोड़ा सा जल्दी ले चलना। बोले ठीक है सर, मैं टाइम पे पहुंचा दूंगा, आप चिंता ना करें। और जैसे ही वो स्पीड से जा रहा था तो मैं कुछ देख रहा था, डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, वैसे ही उसने कस के ब्रेक लगाया, गाड़ी नहीं हिली, मैं भी पूरा हिल गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो ड्राइवर ने कहा कि सर बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ ना कुछ अनहित होने वाला है। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा अनहित तो हो ही जाएगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, अनहित तो हो ही जाएगा। उसने साइड में लगा दी गाड़ी। मैंने कहा तो अब क्या करोगे, कि कोई पास कर जाए तो फिर चले चलेंगे। तो मैंने कहा जो पास करेगा उसका अनहित नहीं होगा क्या? बोले उसके अनहित हित से मुझे क्या लेना देना, मेरा अनहित नहीं होना चाहिए, आपका अनहित नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कोई व्यक्ति काट जाए, कोई गाड़ी काट जाए तो आप ले चलोगे? बोले हाँ। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने वो रास्ता पार कर दिया और उसे इशारा किया कि आ जाओ, मैंने इसे पार कर दिया है। अब उसकी बाध्यता थी, उसने कहा था कि कोई व्यक्ति कोई गाड़ी कोई भी पास कर देगा तो मैं गाड़ी ले चलूंगा, अब मने कैसे कर सकता है। वो गाड़ी ले आया, मैं गाड़ी में बैठा और मैं टाइम से पहुंच गया। जिसके अनहित की बात कर रहे थे उसने अनहित अपने ऊपर ले लिया, हित अनहित जो कुछ होगा वो मेरे ऊपर होगा, तू गाड़ी लेके तो चल। जो जो प्रत्यक्ष रूप से अनहित दिख रहा है वो तो बचना चाहिए। मैं जस्ट ये घटना आपको ये सुनाना चाहता हूं कि इस तरह की मान्यताएं जो समाज ने हमें बिना तर्कों के आधार पर सत्यापित किए हुए हमें बहुत सारी चीजें थोप दी हैं, वो सब ऐसे अंधविश्वास हैं जो तर्कों की कसौटी पर कभी नहीं कसे गए। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी दुकान के बाहर, अपनी बिल्डिंग के बाहर जूता टांग देते हैं, हरी मिर्च नींबू लटका देते हैं। आपने बिल्डिंग में इतना पैसा लगाया, सुंदर टाइल्स लगाई, सब रंग रोगन कराया, सब कुछ कराया, उसके ऊपर एक फटा सा जूता टांग देते हैं। उनसे पूछो क्यों टांग रखा है, कि नजर ना लग जाए। बड़े आश्चर्य की बात है, एक फटा हुआ जूता आपकी नजर नहीं लगने देगा, बड़े आश्चर्य की बात। ऐसे ही आदमी 10-12 कितनी वो मिर्च टांगता है, नींबू टांगता है, रोज एक नींबू खर्च बेकार कर देता है। आज जो जमाना है कोविड का, उसमें एक नींबू वो पी जाए तो शायद वो कोरोना से बच सकता है। वो हरी मिर्च अगर अपने भोजन में डाल ले तो विटामिन सी मिलेगा, नींबू से भी विटामिन सी मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो कोरोना से बच सकता है। मेरा ये दावा है कि अगर वो 2-4-5 मिर्च जितनी भी टांगता है वो सारी मिर्च खा ले और एक नींबू डेली पी ले जो उसे दुकान पर टांग के रखता है, ऑफिस पर टांग के रखता है, तो कोविड से बच सकता है। लेकिन उन्हें टांग के वो किसी कीमत पर नहीं बची। इस तरह के भूत प्रेत की बात करते हैं, मौलवी ताबीज की बात करते हैं कि ये ताबीज बांध ले तेरे भूत प्रेत भाग जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। अगर इन्हीं ताबीज से कुछ काम बनता और भूत प्रेत भाग जाता, पहली बात तो भूत प्रेत का अस्तित्व आज तक किसी ने तय नहीं किया, और अगर कहीं हजारों में एक आध घटना कहीं ऐसी घटी हो तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस तरह से भूत प्रेत स्थापित करते हैं बहुत सारे तंत्र मंत्र वाले लोग,
कंप्लीटली झूठा है। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा अध्ययन मेरठ से हुआ। मेरठ वो शहर है जहां मंगल पांडे ने 1857 में गदर शुरू किया था। मैं इसलिए इतिहास की बात कर रहा हूं ताकि आप रिकॉग्नाइज कर लें। वहां एक ओघड़नाथ का मंदिर है, बड़ा भव्य बना है। आज भी शायद उसके गुम्मदों पे मनो और टनो सोना उसके गुम्मदों पे जड़ा हुआ है। शिव जी का मंदिर रोज प्रतिदिन टनों दूध चढ़ता है, और जो शिवलिंग पे वो दूध चढ़ता है वो एक नाली के द्वारा उस मंदिर से बाहर आता है जो एक नाले में डलता है। उस नाले में गरीब बच्चे अपने बर्तन लिए बैठे रहते हैं, और जो शिवलिंग पे दूध चढ़ता है उस नाली से निकलते हुए दूध वो अपने बर्तनों में भरते हैं और शायद मार्केट में उसे बेच देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला शिवलिंग पे दूध चढ़ाने जा रही हो अपने लोटे में लिए हुए, और बच्चा उससे कहे कि अम्मा मुझे भी थोड़ा सा दूध, आधे गिलास दूध दे दो, मैं भूखा हूं, मेरा छोटा भाई भूखा है, उसे दूध की आवश्यकता है, आधा गिलास मुझे दूध दे दो, तो अम्मा उसे दूध नहीं देती। शिवलिंग पे तो एक लोटा चढ़ा देती है, लेकिन उस गरीब बच्चे को, उस भूखे बच्चे को वो आधा गिलास दूध नहीं देती। इसलिए कबीर जैसे आदमी ने बड़ी देसी भाषा में एक बात कही है कि बालक मांगे गुड़ की कांकर, बुढ़िया उसको डांटे है, और ये पाथर इसका फूफा लागे, भर भर भेली बांटे। उसने कहा कि कोई बुढ़िया, भेली बोलते हैं ढाई किलो गुड़ लेके जा रही थी मंदिर में चढ़ाने के लिए, किसी आराध्य पे चढ़ाने के लिए। बच्चा उसे कहता है कि माई एक गुड़ की छोटी सी डली मुझे दे दो, उसे नहीं देती। कबीर कहता है कि जो पत्थर है, जो पत्थर की मूर्ति है उस पर तो पूरी भेली ढाई किलो गुड़ चढ़ा रही है, गरीब बच्चा, भूखा बच्चा एक डली मांगता है गुड़ की, उसे नहीं देती। ये अंधविश्वास। अब हम ये बात करते हैं कि जो भी हमने ये सारी घटनाएं बताई, बिल्ली की, ताजीब की, आपकी हरी मिर्च नींबू की, भूत प्रेत की, ताजीब की, ये लिंगों पे जो शिवलिंग है या दूसरे लिंग है उन पे दूध चढ़ाने की, ये सब कहां से पैदा हो, क्यों पैदा हो, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? इनकी उत्पत्ति ये हुई कि बहुत सारे लोग जो नाकारा हैं, बिल्कुल अकर्मण्य लोग हैं, जो कार्य नहीं करना चाहते, जो केवल और केवल दिमाग की चालाकी से अपना भोजन इकट्ठा करना चाहते हैं, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, वो सब लोग ये सब पैदा करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम क्यों मानते हैं? हम इसलिए मानते हैं कि हमारी शिक्षा संपूर्ण नहीं है, हमारी शिक्षा में तमाम चीजों का उस तरह से खंडन नहीं है जिस तरह से खंडन होना चाहिए। हमारा शिक्षक भ्रमित है, उसे ये भय लगता है कि तू इन सब का अगर जोरदार खंडन करेगा तो ईश्वर तेरे से नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो सब जो मान्यताएं पैदा की हैं लोगों ने, वो डरा के रखने का प्रयास करते हैं कि तुमने इनका खंडन किया तो ईश्वर तेरा बिगाड़ देगा, तुझे सर्वनाश कर देगा तेरा, भय कायम करने की कोशिश की है उन लोगों ने, और शिक्षक भी कहीं ना कहीं उससे अंश मात्र भयभीत है, इसलिए अपने एजुकेशन का उसे हिस्सा नहीं बनाता है। शिक्षक को उसे अपने एजुकेशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, बच्चों को यह समझाना पड़ेगा ये तमाम चीजें जो है तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए बाधक हैं, ये भय निकालना पड़ेगा, और वो तभी निकाल सकता है जब शिक्षक के मन से भय निकल जाए, ये सब धर्मांध हैं, ये सब अंधविश्वास हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, ये सोच शिक्षक की साफ होनी पड़ेगी।
ये जो लोग जिनकी बात कर रहा हूं, जो ये स्थापित करते हैं, जो ये मान्यताएं बनाते हैं, ये बहुत चालाक लोग, और ये हर धर्म में ये लोग, और ये इतने चालाक लोग हैं कि इन्होंने इस जो जितने भी अंधविश्वास हैं, इन्हें धर्म की आड़ में लपेट के पेश किया है। धर्म से डराया गया पहले लोगों। सच बात तो ये है कि धर्म डरने की बात नहीं है। दुनिया का एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको डराता हो। दुनिया का एक भी धर्म ऐसा जो नहीं है जो मानवीय आधार पर ना हो, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित ना हो। दुनिया का एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको हिंसा सिखाता है, आपको झूठ सिखाता है, आपको पाप करना सिखाता है। सारे दुनिया के धर्म आपको पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब धर्म कोई व्यक्ति स्थापित करता है, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म जब कोई एक व्यक्ति उसे स्थापित करने की कोशिश करता है, तो उसकी साफ मंशा होती है कि वो समाज को मानवीय मूल्यों पर आधारित करके संगठित करना चाहता है, व्यवस्थित करना चाहता है। अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास कबीलों से शुरू हुआ, उन कबीलों में मारकाट होती थी, फिर राजा बने तो राजाओं में मारकाट होती थी, उन सारे लोगों के बीच जो द्वंद्व था, जो हिंसक द्वंद्व था, उसे खत्म करने का काम धर्मों ने किया। धर्म ये चाहते थे कि उनके अंदर जो हिंसा होती है, एक दूसरे के खून के जो प्यासे लोग हैं, वो एक दूसरे से प्यार करें। हर एक प्रत्येक धर्म, दुनिया के प्रत्येक धर्म की यही भावना थी, इसके अलावा कोई भावना नहीं थी। और धर्म किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि थी, चाहे वो गौतम बुद्ध हो जो करुणा में ही हो गया, चाहे वो मोहम्मद साहब हो जो शांति में हो गए, चाहे वो ईसा मसीह हो जो करुणा से भर गया, जो दया से भर गया, सारे लोगों की उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि थी। उन्होंने ये स्थापित करने के लिए कभी नहीं सोचा था कि लोग मेरे फॉलोवर्स बने और मेरे जैसा बने। हाँ, उन्होंने अपने अनुभव बांटे, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया तो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। बुद्ध कहता है कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारी वनस्पति से, सारे जीवों से, सारे मनुष्यों से, सब सबसे मेरे प्रति मेरे मन में करुणा भर गई, सबसे मुझे प्रेम हो गया। मोहम्मद साहब जैसे व्यक्ति जो अपरिग्रह में विश्वास करते थे, संचय में विश्वास नहीं करते थे, वो प्रतिदिन सब कुछ मार देते थे, लेकिन जो फॉलोअर्स बने वो उस मर्म और धर्म को तो समझा नहीं उन्होंने उस धर्म के आधार पे अपनी सत्ता कायम करने का प्रयास किया। इसलिए धर्म को धर्मांध बना दिया, उन तमाम अंधविश्वासों को जो उनके हित में थे, जो सत्ता को कायम रखने के लिए उपलब्ध हो सकते थे, जो सत्ता काम आ सकते थे, उन सारे अंधविश्वासों को धर्म की चादर में लपेट दिया, धर्म की चाशनी में लपेट दिया। नहीं मानोगे तो खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, ईश्वर तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये भयभीत कर दिया गया सामान्य मनुष्य को, क्योंकि वो तर्कों के आधार पे उनसे बहस नहीं कर सकता था। उसे पहले ही बच्चे को ये सिखाया गया कि तुझे मानना पड़ेगा, तर्क मत कर, केवल मान ले। और जब उसने मानना शुरू कर दिया तो उसे यह भी मनवा दिया गया कि अगर तू ऐसा नहीं मानेगा तो ईश्वर तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा। इन जितने भी फॉलोवर्स हैं, इन्होंने अपनी सत्ता कायम करने के लिए उस अंधविश्वासों को धर्म की चाशनी में लपेट के लोगों को धर्मांध बनाने की कोशिश की। और इतिहास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने सच्ची बात कही लेकिन उनके विपरीत थी, उन्हें फांसी लगा दी गई। गैलीलियो, उन्होंने कहा पृथ्वी भी घूमती है। ईसाई धर्म में एक सिद्धांत था कि पृथ्वी घूमती नहीं है। उन्होंने कहा इस गैलीलियो को पकड़ो और इसे तुरंत जल्दी से फांसी लगाओ, ऐसा ना हो कि आज ये धरती घुमा रहा है, कल पूरे ईसाई धर्म के सारे सिद्धांत घुमा दे। उसकी फांसी से पृथ्वी ने घूमना तो बंद नहीं किया, लेकिन उसे फांसी लगा देगी। तो
तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के एजेंट हैं, जो उस सत्ता के भूखे लोग हैं, जो धर्म के आधार पर अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं, इनकी देन है यह अंधविश्वास। इन्होंने लोगों को धर्म बनाया। हाँ, कबीर जैसे लोग जो निर्भीक थे, कबीर जैसे लोग जो ये स्थापित करने में शायद समर्थ हुए कि मैं देखता हूं कि लोग मुझे कैसे मारते हैं, उन्होंने अपनी वाणी को विराम नहीं दिया, उन्होंने अपनी वाणी कंटिन्यूअस रखी। उन्होंने हिंदुओं को कहा कि पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहार, ताते तो चाकी भली कि पीस खाए संसार। उन्होंने कहा जिस मूर्ति, जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, सच बताऊं तो जो मंदिर में मूर्ति रखी है, हो सकता है कुछ लोगों को आघात लगे मेरी इस बात से, वो सिंपली एक पत्थर है। आपका दृष्टिकोण है कि वो मूर्ति है, आपकी आंखें उसे मूर्ति के रूप में देखती हैं, आपके भाव उसे मूर्ति के रूप में देखते हैं, आपके भाव उसे मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, आराध्य के रूप में स्वीकार करते हैं, ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, आप स्वीकार करते हैं, आपका दृष्टिकोण आपकी दृष्टि उसे स्वीकार करती है, बाकी तो पत्थर से ही बनी है। तो कबीर तो उसे पत्थर के रूप में स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि पाहन पूजन, छोटा सा पागर ये पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता हो तो मैं तो पहाड़ पूज लेता हूं, एक दिन ही जाके हिमालय पर्वत को जाके माला चढ़ा देता हूं। वो कहता है इससे तो चक्की भली है जिससे भोजन आटा तो बन जाता है। शायद हिंदुओं ने कहा होगा तू ऐसी बात करता है हमारे लिए। उन लोगों ने जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे, जो अपने धर्म के आधार पर सत्ता कायम रखना चाहते थे, वो पंडित, उन्होंने हो सकता है उसे भी दयानंद की तरह, दयानंद को जिस तरह से जहर दे दिया गया था स्वामी दयानंद को, उस तरह कबीर को भी मारने का प्रयास किया हो। लेकिन वो किसी एक धर्म के विपरीत नहीं थे, वो धर्मांधता के खिलाफ थे, वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने तो मोमडंस को भी कहा, उन्होंने कहा कि काकर पाथर बीन के मस्जिद ली बनाए और तापे चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीर कहता है कि काकर पाथर, ईंट पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, वो तो ठीक है, चलो बना ली, अच्छी बात, लेकिन तुम मुझे ये बता कि बहरा खुदा बहरा है क्या, इतने जोर से अजान देने की क्या आवश्यकता। और कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं काशी में इसलिए रहता हूं कि यहां मरने से स्वर्ग मिलता है। उन्होंने कहा कि जहां नर्क मिलता है मगर में, मैं वहां जाके मरना चाहता हूं। वो लास्ट समय में कबीर वहां पहुंच गए, वहीं उन्होंने अपने देह को त्यागा। ये सच है, किंवदंती है, बताते हैं लोग कि जब वो मर गए तो वो ही लोग जिन्हें वो क्रिटिसाइज करते थे, वो ही लोग उसे अपना पैगंबर बनाने के लिए कहने लगे कि हम इसका दाह संस्कार करेंगे, और वो कहने लगे इसे हम दफन करेंगे, और उनका झगड़ा चलता रहा। लोग कहते हैं कि जब वो दोनों झगड़ के लड़के जब आए तो वहां उनकी जो शरीर था वहां कुछ फूल पड़े थे, वहां लाश नहीं थी, ऐसा कुछ इतिहास बताता है। अर्थात अपने शिष्यों को उन्होंने कह दिया होगा कि अगर ये झगड़ा करें तो मुझे चुपचाप आप जो तुम्हारी इच्छा करे वो कर देना, ये नश्वर शरीर है, जब आत्मा छोड़ देती है तो इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है, इसका दाह संस्कार करो या दफन कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और तो और आदमी जिंदे को तो भ्रमित करने का प्रयास करते ही हैं ये लोग, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो धर्म के एजेंट हैं, जो धर्म के आधार पर अपनी सत्ता कायम बरकरार रखना चाहते हैं, ये जीवन भर तो आपको परेशान करते ही हैं, जीवन भर तो आप में जहर घोलने का प्रयास करते ही हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी परंपराएं बना दी गई कि तेरे फादर की डेथ हो गई है, स्वर्ग भेजना है तो तुझे ये सब धंधा करना पड़ेगा, घर में खाने के लिए नहीं है, बाप को स्वर्ग भेजने के लिए पंडित जी उससे कई हजार रुपए का धंधा करा लेते। बुद्ध की एक बार में कहानी पढ़ रहा था, जब ये प्रथा थी कि बाप को स्वर्ग भेजने के लिए हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो कोई शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा, उन्होंने कहा मेरे पास तो हजार रुपए है नहीं।
मेरे बाप की लाश मेरे घर में पड़ी है, चुपचाप बैठा हूं, रो भी नहीं रहा, क्योंकि रोऊंगा तो पता चल जाएगा बाप मर गया, और बाप मर जाएगा तो पंडितों को हजारों रुपए कहां से लाऊं, मेरे पे तो कर्जा भी कोई नहीं देगा मुझे। तो बुद्ध ने शिष्य को कहा कि दो घड़े लेके आ। वो दो घड़े ले आया, बुद्ध ने एक में कंकर भर दिया और एक में थोड़ा तेल भर दिया, बोले नदी में फोड़ देना जाके दोनों को। वो गया नदी में, दोनों को फोड़ दिया, फोड़ के चले आना, फिर मुझे बताना क्या हुआ। फोड़ के चलाया तो उसने बुद्ध को बताया कि जो कंकर वाला था वो तो जब उसमें नदी की तली में जाके बैठ गया, और जिसमें तेल था वो बह गया। तो बुद्ध ने कहा कि जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही प्राप्त कर लेगा, ये पंडितों के मंत्रों से और इन पंडितों के जाप से कोई स्वर्ग नरक नहीं जाता है, इसलिए तो अपने पिता को निकाल अपने घर से और बाहर ले जाके जो तेरी इच्छा करे वो कर। दाह संस्कार में भी तुझे लगता है कि लकड़ियों में पैसा खर्च करना पड़ेगा तो जमीन में दबा दे, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। मैं जस्ट तमाम उन लोगों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने धर्म की उत्पत्ति की, जिन्होंने धर्म को जानना है, उन्होंने कभी भी धर्मांध होने की बात नहीं कही। उन्होंने कभी भी बिना तर्कों के, बिना विश्वास प्राप्त किए कुछ भी पालन करने के लिए कभी नहीं कहा है। किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी ये बात नहीं कही कि बिना यकीन किए, बिना विश्वास किए, बिना तर्कों की कसौटी पे किए आप जो है ये स्वीकार कर लो। लेकिन उनके जो फॉलोवर्स थे उनमें भी वो लोग जो धर्म के आधार पे अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते थे, अपने स्वार्थ सर्वोपरि रखना चाहते थे, उन्होंने धर्मांधता का आधार दिया, उन्होंने अंधविश्वास को धर्म की चाशनी और चादर उड़ा के लोगों को बाध किया है कि वो उसे मान ले और स्वीकार। आज के सेशन में खासकर मैं शिक्षकों से जुड़ना चाहता था और शिक्षकों को यह बताना चाहता था कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की है कि आप नहीं समझते कि आज भी भारतवर्ष का 20% हिस्सा झोपड़ियों में और ऐसी जगह रहता है जहां ये टोटकों के आधार पर इलाज किए जाते हैं। हमारे देश के हजारों बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बता दिया जाता है कि इस पे भूत आ गया, इस पे प्रेत आ गया, मैं झाड़ के ठीक कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और वो बच्चे मर जाते हैं, बहुत सारे नवयुवक मर जाते हैं। अभी कोविड की बात बता रहा हूँ, एक दिन मेरे यहाँ एक एम्प्लॉई है तो उसने जब बताया कि मैंने उसे कहा कि आप मास्क लगा के रहा करो, सैनिटाइज यूज किया करो और ठीक से रहा करो, ऑफिस में ये किया करो वो किया करो, बोले सर मेरी सास ने कहा है कि अपनी मिसेज को हरी चूड़ी पहना देना, कुछ नहीं होगा। और मगर तुझे बताया होगा कि एक तबीज बांध लेना, उसने तबीज भिजवाया हो, उसने कहा होगा तू तबीज बांध लेना, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोना हुआ और तुझे हुआ तो सबसे पहले तुझे ऑफिस से बाहर कर दो, क्योंकि ऑफिस में नहीं रखा जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति। जब उसे ये कहा कि अगर तुझे बुखार हुआ है कुछ भी हुआ तो तुझे ऑफिस से बाहर कर दूंगा, तब उसकी समझ में आया कि देखो अब अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया, सैनिटाइज और ये सब मास्क नहीं लगाया, तो नौकरी जा सकती है, मेरा आधार भी जा सकता है जहां मैं रहता हूं, क्योंकि वो ऑफिस में रहता है। आज भी देश की बहुत सारी जनता सब धर्मांधता और अंधविश्वास के चक्कर में है, जिससे बहुत मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारतवर्ष की उन्नति में सेंध लगाई जा रही है, भारत की उन्नति में एक पैट लगाई जा रही है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि आपके साथ गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे उस वर्ग से आते हैं जहां ये सब क्रूतियां हैं, इन सब पे प्रहार करना है शिक्षक। शिक्षक तभी प्रहार कर सकता है जब इन सारी व्याधियों से वो मुक्त होगा, उसकी मानसिकता इन सारी चीजों से ऊपर होगी, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि अंधविश्वासों से जो धर्मांध तक की जो यात्रा की है लोगों ने, चालाक लोगों ने, उस क्रम को हमें तोड़ना है, उस माला को तोड़ के फेंक देना है, तभी हम वो माला पैदा कर सकते हैं भारतवर्ष में जिससे भारत उन्नति कर सकते। आज का
टॉपिक हम इतना ही रखेंगे। एक बात लास्ट में मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं ना तो अंधविश्वास में विश्वास करता हूं ना धर्मांधता में विश्वास करता हूं, इसलिए हो सकता है कि आज मेरी सच्ची भाषा से कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है, पर जो मैंने कहा है मैं यकीन मानिए मेरे अनुभव, मेरे अध्ययन और जो मैंने मेरी सोच है उसके आधार पर मैंने सच कहा है, और यही सच है जो मैंने कहा है। अंधविश्वास और धर्मांधता के आधार पे बहुत नुकसान हुआ है मानव जाति को, उससे हमें मुक्त कराना है। इसलिए फिर भी अगर किसी को मेरे कथन से कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, पर वास्तविकता तो यही है जो मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे वक्ताओं को अंधविश्वास पे सुना है, बड़े डर के अंधविश्वास की बात करता हूं। मैंने बहुत सारे वक्ताओं को धर्मांधता पे सुना है तो बड़े डर के बात करते हैं। एक आज जगह पूछने का मौका मिला कि इतना क्यों डरते हो, सच बात कहने में इतने डरने की क्या आवश्यकता है। तो दोनों बातें मुझे कुछ नजर आई, एक तो ये नजर आई कि समाज से डरते हैं, समाज से तो कबीर नहीं डरा, स्वामी दयानंद नहीं डरे, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं डरे, वो भी अपनी बात बेबाक कह के गए। दूसरी बात उसके अंतर मन मन के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये भी भय बैठा रखा है कि तुम इस तरह की बात और इस तरह की भाषा यूज करोगे तो ईश्वर आपको नुकसान पहुंचा देगा। मैं आपको यकीन के साथ ये बात कहता हूं कि ईश्वर कभी नहीं चाहता कि ये सब कुछ तो करो जो अंधविश्वास के लोग साथ काम करते, ये तो मानवता के खिलाफ है, समष्टि और प्रकृति के खिलाफ है जो आप करते हो, ये तो प्रकृति का अपमान है जो आप करते हो। ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं अंधविश्वास की और धर्मांधता की बात करते हैं, वो प्रकृति का अपमान करते हैं, वो समष्टि का अपमान करते हैं, वो सारे धर्मों का अपमान करते हैं। धर्मों में किसी ने नहीं सिखाया, कैसा मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग। मुसलमान धर्म ने कहा कि जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है उसकी बलि चढ़ा दो, यानी कि उसे छोड़ने की ताकत पैदा करो। प्रेम का अर्थ ये, हमने कहा था एक दिन, स्वतंत्रता। प्रेम का अर्थ है कि दूसरे की स्वतंत्रता मत छीनो, तुम तो उसका जीवन छीन लेते हो फिर भी कहते हो कि हम बलि चढ़ाने हैं। अरे बलि तो मोहम्मद साहब ने उसकी कहा था कि जो तुम्हारे अंदर अवगुण है उसकी बलि चढ़ाओ, जो तुम्हारे अंदर वासना है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी बलि चढ़ाओ, जो तुमने व्याधि पाल रखी है, तुमने गलत चीजें पाल रखी है उसकी बलि चढ़ाओ, और धीरे 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 करते पशु की बलि पे आ गया मामला। लाखों लाखों पशु कट जाते हैं, वो निरीह पशु ने क्या बिगाड़ा है आपका। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूं कि लोगों ने किस तरह से परिवर्तित कर दिया, किस तरह से जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो धर्म का मर्म था उसे छोड़ा ही नहीं, उसे विकृत रूप से कर दिया। इस धर्म के मर्म को समझते हुए अंधविश्वास और धर्मांधता से लड़ने की अगर कोई सशक्त सेना है तो वो शिक्षक ही है। शिक्षक ही बहादुर सेना सैनिक के रूप में इससे लड़ सकता है और निजात दिला सकता है पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को। इसलिए इस अनुरोध के साथ, इस निवेदन के साथ कि शिक्षक अपना कर्तव्य समझे, सच्चाई समझे, तर्कों के और वैज्ञानिक आधार पर जो सच है उसे स्वीकारे और उसे बच्चों को इस लायक बनाए कि वो तर्कों के आधार पर, वैज्ञानिक के आधार पर अपने उन्हीं कर्तव्यों का पालन करें जो वास्तव में सच हों और होने चाहिए। ये तमाम जितने अंधविश्वास हैं, जितनी धर्मांधता है, ये देश को बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे हैं। हजारों व्यक्ति मर जाते हैं, हजारों गरीब मर जाते हैं, हजारों बच्चे मर जाते हैं, ये सब इन्हीं की वजह से सब कुछ। इसके खिलाफ हम सब आपको हमें सब समय मिल के लड़ना है और निश्चित रूप से देश को जो ये प्रतंत्रता है धर्मांधता की, जो अंधविश्वासों के से स्वतंत्र करता है, कराना है। इन्हीं इसी शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि और दिन क्वेश्चन हो ना हो, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए। वो इसलिए आने चाहिए कि बहुत सारे लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो उनके विश्वास हैं, उन्हें मैंने पूरी कोशिश की है कि उन्हें ठेस लगे। ठेस लगे तो वो क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें तो मैं उनका जवाब दे सकूं। ऐसी मेरी भावना है। और मैं आज अलग मूड में हूँ, इसलिए फिर भी पुष्पा जी ने शायद कल मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहा था, तो अगर वो पूछना चाहती हैं तो पूछ लें, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे आज अच्छा लगेगा कि आज के विषय के बारे में लोग अगर क्वेश्चन करें तो मैं मानसिक रूप से तैयार होकर आया हूँ कि उनमें बहुत सारी जो अवधारणाएं लोगों ने अपने मन में बना रखी हैं, वो उन सब का मैं अच्छे से जवाब दे सकूं। हेलो सर, हेलो सर हेलो, जी, नमस्कार सर। अच्छा मैम आपकी आवाज मुझे कम आ रही है थोड़ा। सर, मैं बता बोल रही हूँ। देखना प्रफुल्ल, जी आवाज जी थोड़ी जी कम आ रही है। जी सर, तुरंत। हाँ बोलिए मैम। हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए मैम। जी हेलो, हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर नमस्कार मैम। जी, मैं बोल रही सर, आपकी बातों में तो बहुत दम है सर, और मैंने आपकी सारी बातों को मैंने ध्यान से सुना है, सुन रखी है। तो आपने जो धर्म के बारे में बताया है बात सर, वो तो बात भी सीख सकते हैं। आज हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिसके चलते हमारा समाज पिछड़ता चला जा रहा है, वो चाहे किसी भी धर्म के हो। तो धर्म को तो, जितने धर्म है, सारे धर्मों में तो सिर्फ एक ही बातें बताई गई हैं कि हम गलत काम ना करें और सत्य का हमेशा साथ साथ दें। लेकिन सर, मैंने ये भी तो महसूस करके देखा है अपने समाज में, और एक बात महात्मा गांधी ने भी कही थी कि सत्य बोलने वाले को हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो सर, ये बात तो सही है, बच्चों में तो ऐसी, मतलब हम लोग शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं कि मतलब अंधविश्वासों में ध्यान ना दिया जाए, लेकिन हमारा समाज फिर भी सर आज बहुत पीछे रह रहा है इस मायने में। अपनी नींबू मूर्ति की जो बातें करी, ये भी मैंने ध्यान से सुना, और मैं जब घर से स्कूल के लिए निकलती हूँ तो रास्ते में बहुत सारी दुकानें ऐसी मिलती हैं जहाँ पे ये टंगा होता है। मैम, शिक्षक को एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, जो जी, मैं तो ये ध्यान से देख रहा था, आपकी फोटो मेरे सामने आ रही थी, तो आपके मनों के भाव और चेहरे के भाव मुझे बता रहे थे कि आप बहुत आत्मसात कर रही हैं मेरी बात को और मेरी बात से सहमत हैं। तो एक यस सर, अच्छे शिक्षक के लिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर मैं कहीं, कई बार मैं शिक्षकों को भी लताड़ता हूँ, लेकिन जी उनके हित में लताड़ता हूँ, क्योंकि यस मैं सर, चाहता हूं कि समाज और सरकार उनका सम्मान करे, और वो तभी संभव है जब वो अपना सम्मान करें। शिक्षक जब अपना सम्मान नहीं करता है तो समाज और सरकार भी उनका सम्मान नहीं करता। जी सर, लेकिन हमें बच्चों में एक मेन बात जरूर बतानी है कि जैसे जी जैसे युग बदलता है, जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, पता नहीं जी आपने मेरा परिवर्तन पे मैं एक दिन बोला था कि परिवर्तन ही सार्वभौम सत्य है, जी उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि प्रति क्षण और प्रति पल परिवर्तन होता है इस दुनिया में। सर अगर कुछ भी सत्य है तो परिवर्तन ही सत्य है। जी परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए शिक्षक को भी, और शिक्षक को परिवर्तन की बात अपने विद्यार्थी से भी करनी चाहिए। जैसे मैं सर एक मोटी सी बात बताऊं, मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जी लेकिन जब नहीं जैन तो धर्म बना होगा जी तो तब पगडंडियां वो थी, जमीन थी, सिंपल जमीन पे पगडंडियां बनती थी, जी लोग सर कच्ची जमीन पे पैदल चल के जाते थे, तो उस जी टाइम नंगे पैर चलने में शायद ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर था वो वही 20-25-30 रहता होगा पूरी गर्मी में भी। लेकिन अब सीमेंट की चादर, वो सड़कें बन गई हैं, अब तारकोल की सड़कें बन गई हैं, जिनका टेम्परेचर 50 से भी ऊपर जाता है। जी कभी जैनियों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अगर ऐसी कोई सड़कें बनेंगी जिनपे हमें नंगे पैर चलना पड़ेगा। जी सर
तो अब अगर 25 पे 25 की पगडंडी पे कोई जैन नंगे पैर चल के अपना काम कर सकता है, अब उसे 50 डिग्री में अगर सड़क पे चल के अपना काम करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से पैर घायल हो जाएंगे। तो जी आज आप जैन धर्म को इस संशोधन की जरूरत है कि ये वो चींटी ना मरे, तो अब ऐसे जूते भी तो आ गए हैं जिनके नीचे चींटी आ जाएगी तो नहीं मरेगी। जी हालांकि जैन धर्म इसलिए चींटी को नहीं मारना चाहता ताकि उसे स्वर्ग मिल जाए, उसे चींटी जी के जीवन विवन से कोई लेना देना नहीं है। उनसे जी तो बेहतर वो लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा आटा डालते हैं चींटियों के जो बिलों पे, वो ज्यादा बेहतर लोग हैं। जी जैन जैन आदमी इसलिए नहीं चींटी मारना चाहता था कि उसे बताया गया है धर्म में कि तेरे पैर से चींटी मरी और तेरा स्वर्ग छीना। वो जी स्वर्ग स्वर्ग पाने के लिए चींटी को नहीं मारना चाहता। पर तो मैं, सर चलो हम नहीं मारना चाहता अच्छी बात है, अब परिवर्तन हुआ है तो भाई तू जूता पहन ले, कपड़ा बांध के चलते हैं बहुत सारे जैनी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट कपड़ा बांध के, करे कपड़े का जूता भी पहना जा सकता है, रबर के जी सोल के बहुत सॉफ्ट जूते आ रहे हैं जिसके नीचे चींटी आ जाएगी तो भी नहीं मरेगी। हमें ये जी परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा सारे धर्मों में। जी सारे धर्मों में अगर परिवर्तन मांग रहे हैं धर्म, क्योंकि वो धर्म तो वास्तव में धर्म था जिसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो किसी जी व्यक्ति का अनुभव था। लेकिन जो ये बीच में बहुत सारे लोग आ गए ना, जो धर्म की सत्ता को बरकरार रखने के लिए जी ये सब कुछ करते हैं, वो उन्हें अगर हमें काबू करना है तो हमें बच्चों में परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी, शिक्षक में भी परिवर्तन की बात करनी। तो जी मैं थैंक सारे यू शिक्षक समुदाय से ये निवेदन करना चाहता हूं सर। कि आप परिवर्तन स्वीकार कर लेंगे तो अगली पीढ़ी, अगला विद्यार्थी, शिक्षार्थी परिवर्तन तो सर स्वीकार। एक बात और है कि जैसे मैं सनातन धर्म में हूँ सर, तो सनातन धर्म में जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, बताया जाता है भोज करो, फलना करो, चिल्ला करो, लेकिन मैंने गाँव में देखा सर कि बहुत सारे लोग इसका बहिष्कार किए, तो बोलते हैं इसको जात से हटा दो, ये मेरे जात के लायक नहीं है, जात से इसको कट कर दो। तो सर यही तो एक बहुत बड़ी कुरीति हुई ना। देखो पुष्पा जी, आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं पहुंची है, पर जो भाव आ रहा है मैं उसके आधार पर बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये लिखा है कि वो धर्म ही नहीं है, वो तो एक समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए नियम बनाए गए जिसे सनातन धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन अगर कोई लोग ये कहते हैं कि ये आदि धर्म है और ये सदा से धर्म रहा है इसलिए सनातन धर्म रहा, मुझे इसमें भी कोई लेना देना नहीं है, अगर वो ऐसा कहते हैं तो मुझे इसे स्वीकार करने में भी कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। लेकिन लेकिन जो हिंदू धर्म में, आप जरा ध्यान से देखिए ना, हिंदू धर्म में जो शोषण किया गया कुछ लोगों का, आज उसी के कारण भारतवर्ष में जितने ईसाई हैं वो इसीलिए बने कि हिंदू धर्म के लोगों ने उनका शोषण किया और वो उनसे तंग आके ईसाई बन गए। बहुत सारे मुसलमान जो कन्वर्टेड हुए वो इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ हिंदू धर्म के लोगों ने अन्याय किया, अछूत बनाया, जी बहुत वो धर्मांधे शोषण हैं बहुत किया। सारे लोग। जी सर वो इसलिए कि वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में तो एक व्यवस्थित करने के लिए कैटेगरी बनाई, तुमने उसे जाति जी का रूप दे दिया, जी जी तुमने उसे विकृति कर दिया। क्यों क्यों विकृत कर दिया? कि क्यों? क्योंकि तुम शासन करना चाहते थे, सत्ता पाना चाहते थे, सत्ता को बरकरार रखना चाहते थे। कुछ चंद जी लोग जो है सत्ता को बरकरार रखने के लिए, इसलिए उसका स्वरूप ही बदल दिया। धर्म के आधार पे अगर किसी को डिवाइड वर्गीकरण किया गया तो माना जा सकता है कि सही है, लेकिन तुम उसे जाति बना दिया तुमने, उसे तो तुमने तो जाति के आधार पर उसका शोषण कर दिया। तो मैं जो बार बार कहता हूं, मैं आज फिर भी ये बात कहता रहूंगा, धर्म कोई बुरा नहीं है, पूरी दुनिया का एक भी जी धर्म की उत्पत्ति गलत धारणाओं से नहीं हुई, मनुष्य के शोषण के लिए नहीं हुई, किसी पशु के जी शोषण के लिए नहीं हुई, किसी वनस्पति के शोषण के लिए नहीं हुई, सबके प्रति एक सामंजस्य पैदा करने की बात की गई। ये वो भारतवर्ष देश है जहां जब किसान अपने बैल को जोतता था, अगर बैल गोबर कर रहा है तो वो हल रोक देता था, क्योंकि वो जी मानता था कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जी ये संवेदना थी उसके पास। अगर टटहरी जी बोलने लगती थी खेत जोतते हुए किसान को, तो वो समझ जाता था कि उसके खेत में कहीं ना कहीं टटहरी ने अपने अंडे दे रखे हैं, इसलिए किसान उस जगह को बचा के खेत जोतता था। अगर जी बूढ़ा बैल हो जाता था
तो उसे अपने घर में बैठा के साल 6 महीने खाना खिलाता था, चारा खिलाता था, लेकिन उसे कसाई को नहीं बेचता था। जी ये संवेदना थी हमारे धर्म की। जी, आज सब हाँ, कुछ उल्टा हो गया है, जी अब सब उल्टा हो गया है। ये केवल और केवल उनकी वजह से हुआ है जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि जी वो उन्होंने उसे सारी विकृत कर दिया, उसे चेंज कर दिया है, जो धर्म का मर्म था उसे खत्म कर दिया है कंप्लीटली। और ये जी केवल, मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, सनातन धर्म की बात सारे नहीं कर धर्म रहा, की बात मैं भाई। जी सारे सर, धर्मों की बात कर रहा हूँ। यस सारे सर, धर्मों ने जो है, अब जहाँ ईसाई धर्म को माना जाता है कि ये करुणा पे, दया पे और सेवा पे आधारित है, ईसाई धर्म के नाम सबसे ज्यादा हत्याएं हैं विश्व में। आज तक यस, विश्व में सबसे ज्यादा हत्याएं अगर की हैं तो वो ईसाई धर्म के लोगों ने की है, उनके द्वारा की गई हैं। तो जी धर्म कहाँ रहा? वो धर्म की जो भावना थी उसे तो विकृत कर दिया लोगों ने। जी बहुत सारे धर्मों के बारे में कहा जा सकता है कि जो उनका मूल तत्व था, उस मूल तत्व को जिंदा नहीं रहने दिया उन लोगों ने, जो धर्म के आधार पे अपनी सत्ता कायम करने के लिए अंधविश्वासी लोगों को बता दिया कि केवल मान तो, जानने की आवश्यकता नहीं है। इस भावना से अगर कोई जागृत कर सकता है, इस भावना से अगर मुक्त मुक्ति दिला सकता है, तो पुष्पा जी आप जैसे शिक्षक दिलवा सकते हैं। सर, मैं आपकी बातों को रोज सर ध्यान से सुनती हूँ सर, स्वयं में उतारने की कोशिश भी कर रही हूँ और करती रही हूँ। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, और विशेष आपको मेरा नमस्कार सर। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी, यस सर, ठीक सर, हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए मैम। अभी आपने कहा मैं किसी धर्म की क्रिटिसाइज या किसी की धर्म का फेवर नहीं कर रही सर, बस ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हम धर्म, ये मनुष्य क्या है, उसको मनुष्य, और जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को सामाजिक बनने में बहुत सारे मतलब की कारक प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य को अगर हम अगर सामाजिक बनाना है या फिर उसको शिक्षित करना है, तो हम उसको धर्म से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म मतलब वो परिवार से जुड़ा होता है। अब बिल्कुल हम उसके जो जो बच्चा जिस परिवेश से आता है, तो उसको बिल्कुल उसे अलग नहीं कर सकते, हम उसी तक क्रिटिसाइज नहीं कर सकते सर कि मतलब आपका धर्म ऐसे है, ये वैसे है, ये करके हम उस बच्चे से दूरी बना लेंगे। तो हम मतलब ये जो अभी आप पूरा सनातन धर्म में मतलब बता रहे थे कि ये गलती है, वो गलती है, एक तो मतलब उसे हम ये सहमत नहीं है, लेकिन मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि मतलब धर्म में परिवर्तन लाना है और फिर बच्चे को पढ़ाना है, अगर हम धर्म से ही अलग हो जाते हैं, तो फिर मतलब बच्चे से भी मेरा दूरी बढ़ जाएगा। नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें धर्म से दूर जाना है। मैं केवल ये बात कह रहा हूँ कि धर्म में जो अंधविश्वास पैदा कर दिए गए हैं, जो अंधविश्वासों को धर्म का जामा पहना दिया गया है ताकि लोग उसका पालन करें और डरें, उस डर को हमें निकालना है। मैं हमारे किसी धर्म में डर नहीं है सर, जो हिंदू धर्म है, आप मतलब हम किसी धर्म का फेवर नहीं कर रहे, हमारे धर्म में डर नहीं है। डर तो किसी एक पार्टिकुलर धर्म में है, जैसे हम उसका नाम नहीं ले सकते। हमारे धर्म में सरिया नहीं है, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, अगर हम ये सोमवार को जल नहीं चढ़ाते, हम अगर कुछ फॉलो नहीं करते हैं अपने धर्म को, तो हमारे ऊपर ये किसी भी का सरिया कानून ऐसा निकल जाएगा। हमारे धर्म में अंधविश्वास है, जो वो जो अपने आप ये हो गया। हमारे धर्म में डर नहीं है सर, ये चीज तो हम बिल्कुल मतलब शान से खड़े होके बोल सकते हैं। और मतलब बच्चे को ये नहीं कि धर्म, ये मतलब बच्चे को शिक्षित करने के लिए धर्म को उतना प्रभावी नहीं ये कर सकते हैं। मैम, आज शनिवार है, जी शनिवार को बताया गया है कि लोहा नहीं खरीदना है, किसी नहीं आदमी का मेरे लेंटर लेंटर पड़ने वाला है, उसे सरिया चाहिए, अगर वो आज नहीं सर, करेगा तो कल आपको मजदूर भाग आपको मैं जाएंगे। बताऊं, मेरे घर में जितने भी जो ये सामान होते हैं, वो सारे मेरे शनिवार को ही खरीदे जाते हैं, हाँ ये तो अपना अपना मानने वाला बस होता है हम। मैं हाँ इतना ही चाहता हूँ मैम, मैं ये चाहता हूँ कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा कर दी गई हैं जिससे हमारी उन्नति रुक रही है, हमारे देश की उन्नति रुक रही है, हमारे मानव की उन्नति रुक रही है, उन सब का खंडन करना है, क्योंकि वो तर्कों के आधार पर सत्यापित नहीं है। धर्म धर्म वही धर्म है सर जो मनुष्य को आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। धर्म बेड़ी नहीं बनता है, धर्म कभी किसी का बेड़ी नहीं बनता है। ये चीज हम भी मतलब जो हम जब क्लास लेते हैं बच्चों को, तो एक मतलब हम सोशल साइंस के टीचर हैं सर, तो हम कभी भी मतलब किसी भी मतलब ये पढ़ाते वक्त मेरे साथ बहुत सारे दैत्यान धर्म का उदय
बौद्ध धर्म का उदय, फिर इस्लाम का उदय, ये सारी चीज हमको पढ़ाना पड़ता है। हिंदू धर्म के बारे में, वैदिक धर्म, ये सारी चीज हम बनाते हैं। हम कभी भी ये चीज नहीं बताया है कि वो रूढ़ी रूढ़ी से बनना है, उसको आगे वो बैरियर नहीं बनता है सर, वो हमारे लिए वो मतलब एक पावर देता है, हम लोग को बूस्ट करता है, धर्म बूस्ट करता है, ये बेड़ी नहीं बनता है सर, ये चीज हम बच्चों को बताते हैं। मैम, आप धर्म और मान्यताओं, धर्म और रूढ़िवादिताओं, धर्म और अंधविश्वास, धर्म और धर्मांधता का जो अंतर है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं आप। आपको उन दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। धर्म की कोई विवेचना नहीं कर रहा, ना आलोचना कर रहा है। निश्चित रूप से हमने भी कहा है कि कोई भी धर्म की उत्पत्ति मानवता के लिए ही हुई थी, मानवता जी में बेहतर मानवीय संबंधों को डेवलप करने के लिए हुई थी, समाज को संचालित और संगठित करने के लिए हुई थी। लेकिन बहुत जी सारे लोगों ने जो धर्म के आधार पे अपनी सत्ता और धंधा, शब्द भी यूज किया जा सकता है, उसे अगर कायम रखने का प्रयास किया है, तो उन्होंने ईश्वर का भय बढ़ाने की कोशिश की है हर धर्म में, और उन्हें मानने के लिए जी बाध्य किया गया है। ये जो रूढ़िवादिता है, ये शिक्षक को तोड़नी है। अब मैं माफी चाहूंगा कोई कि मेरा समय हो गया है, और बल्कि 2 मिनट फालतू हो गए हैं, तो मैं नहीं सर, सॉरी, आपको भी समय लेने के लिए सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन करने का, मुझे आंसर करने का आपको पूरा अधिकार था, और मुझे भी पूरा अपनी बात कहने का हक था। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिन शिक्षकों के, शिक्षाविदों के बीच में आज हूँ, वो निश्चित रूप से आज की जो मेरी बात है, उनमें से अगर कुछ भी उन्होंने स्वीकार किया और वो अगली पीढ़ी विद्यार्थी को मुक्त करा पाए अंधविश्वासों से, तो मेरा ये सब कहना और बात करना सफल होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभार।